हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेनान एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। सो देखिए, हमारे पास एक सर्किट है, लीनियर टू टर्मिनल सर्किट, और एक हमारे पास लोड रेजिस्टर है लाइक दिस कनेक्टेड, जो यहाँ पे इस तरह से कनेक्टेड है। अब इस लोड रेजिस्टर में हमें पावर जो है वो मैक्सिमम पहुँचानी है। यहाँ पर हमारे पास सोर्सेज कनेक्टेड हैं, तो इस लोड रेजिस्टेंस में कैसे मैक्सिमम पावर पर पहुंचेगी, हम ये चीज़ पता करने जा रहे हैं। ठीक, या इसको आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि एक सिंगल सोर्स है, उससे हमें यहाँ पे पावर ट्रांसफ़र करनी है, या मल्टीपल सोर्सेज लगे हैं उससे हमें यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करनी है। दोनों कंडीशन को हम देखेंगे। तो चाहे जो भी कंडीशन हो, चाहे एक सोर्स लगा हो, चाहे दो सोर्स लगा हो, या मल्टीपल रेजिस्टेंसेज इस सर्किट में लगे हों, इस पूरे सर्किट को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं एक थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट से या थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क से, तो कुछ सर्किट इस तरीके का दिखेगा आपको। ठीक है, अब ये थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स है VTH, जो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज है, और इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस है RTH, जो कि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो अब आप देखिए, इस पूरे सर्किट को जब हमने इस तरह से ट्रांसफ़र कर दिया है, तो अब हमारे पास सिर्फ एक सिंगल सोर्स है VTH। अब इस सिंगल सोर्स से इस लोड तक मैक्सिमम पावर कैसे हम पहुंचा सकते हैं, इसकी कंडीशन हम डराइव करेंगे। ठीक है, तो डराइव करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम ये लेते हैं कि ये जो करंट है IL, लोड करंट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए, ये एक बहुत छोटा सा सर्किट है, इसमें सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है और दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, RTH और RL सीरीज में है। सो ये करंट IL की वैल्यू हो जाएगी VTH अपॉन RTH प्लस RL। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ये करंट आ गया है, तो हम इस रेजिस्टेंस में कितनी पावर कंज्यूम हो रही है हम निकाल सकते हैं। वो वैल्यू क्या होगी, IL स्क्वायर इंटू RL। फिर ये IL की वैल्यू रख के हम VTH के फॉर्म में हम लोड पावर निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू आ जाएगी VTH स्क्वायर अपॉन RTH प्लस RL होल स्क्वायर इंटू RL। ठीक है, अब हमारे पास ये IL लोड करंट इन टर्म्स ऑफ VTH एंड RTH एंड RL आ चुका है। और आप देखिए, जब इस सर्किट को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे या रिप्लेस करेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से, और RL आपके पास वेरिएबल है, तो VTH और RTH फॉर द गिवन कंडीशन कांस्टेंट होगा। सिर्फ आप RL को वेरी करा सकते हैं। जब आप RL को वेरी कराएंगे, तो इस इक्वेशन में देखिए, सिर्फ RL इज़ वेरिएबल। तो हम कह सकते हैं कि ये लोड पावर सिर्फ RL पे डिपेंडेंट है। तो अब हम ये देखेंगे कि RL की वैल्यू हम कितना डालें ताकि पावर जो ट्रांसफ़र हो या पावर जो रिसीव हो इस लोड एंड पे, वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वो कंडीशन निकालते हैं जब पावर मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो सके लोड रेजिस्टेंस में। ठीक है, उसके लिए हमें करना क्या है, जैसे हमारे पास ये लोड पावर का इक्वेशन है VTH स्क्वायर अपॉन RTH प्लस RL होल स्क्वायर इंटू RL, तो ये लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल है। तो मैथमेटिक्स का हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। मैथमेटिक्स में हम ये जानते हैं, किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो हम उस फंक्शन को जिस वेरिएबल पे वो फंक्शन डिपेंडेंट है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर देते हैं। तो यहाँ भी देखिए, हमारे पास जो ये लोड पावर है, ये लोड पावर सिर्फ RL जो वेरिएबल है इस पे डिपेंडेंट है। तो हम यहाँ पे इस लोड पावर को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू RL और इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे लाइक दिस। तो हमें मैक्सिमम पावर निकालनी है, तो इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करेंगे, तो वो कंडीशन मिल जाएगी हमें जिस वक्त पावर मैक्सिमम हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर RL ऊपर भी है, RL नीचे भी है, तो हम इस रूल का इस्तेमाल करेंगे मैथमेटिक्स का, जिसको कहते हैं U बाई V का डिफरेंशिएशन। तो U बाई V अगर कोई फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो नीचे लिखते हैं V का स्क्वायर, फिर लिखते हैं V और U डैश माइनस U इंटू V डैश। तो हम ये रूल इस्तेमाल करेंगे, और आप अगर गौर से देखें तो इस रूल को यहाँ पे इस्तेमाल करने से चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो चलिए, इस रूल का इस्तेमाल करके इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, RTH प्लस RL होल स्क्वायर का, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो टू दी पावर 4 हो जाएगा।
फिर आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर यहाँ पे वी को ऐसे ही पुट कर देंगे और वी टी एच स्क्वायर इंटू आर एल जो न्यूमरेटर में है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर एल तो वैल्यू आ जाएगी वी टी एच स्क्वायर। तो वी टी एच स्क्वायर हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया है क्योंकि सेकेंड वाले टर्म में भी वी टी एच स्क्वायर आएगा तो ये वी टी एच स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड हेयर। ओके नाउ अब सेकेंड वाले में क्या करना है, माइनस करके यू को छोड़ना है और वी को डिफ्रेंशिएट करना है। यू मीन्स द न्यूमरेटर पार्ट, तो वी टी एच स्क्वायर इंटू आर एल को ऊपर छोड़ दिया तो वी टी एच स्क्वायर हमने यहाँ से भी कॉमन निकाल लिया। तो आप देखें वी टी एच स्क्वायर यहाँ भी मल्टीप्लाइड है, वी टी एच स्क्वायर यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों में से हमने वी टी एच स्क्वायर को कॉमन पहले ही निकाल दिया है बाहर। तो आर एल को ऐसे ही छोड़ दिया यहाँ पे और फिर उसके बाद नीचे जो आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर एल। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, टू एक्स, तो 2 इंटू आर टी एच प्लस आर एल हो गया। उसके बाद चेन रूल लगाएंगे, आर टी एच प्लस आर एल को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर एल, तो आर टी एच को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टेंट। फिर आर एल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर एल डी आर एल बाई आर एल विल बी इक्वल टू 1। सो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ 1 है। सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया वो इस तरह का एक्सप्रेशन आ गया। और अब आप देखिए यहाँ पे से आर टी एच प्लस आर एल, आर टी एच प्लस आर एल हम दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं और नीचे से आर टी एच प्लस आर एल से एक आर टी एच प्लस आर एल की वैल्यू को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो फाइनल एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का मिलेगा आपको, आर टी एच प्लस आर एल हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया है ठीक, और एक आर टी एच प्लस आर एल को नीचे से कैंसिल कर दिया है तो ये एक्सप्रेशन आपको मिला। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं, तो देखिए इसमें अगर हम इस मल्टीप्लीकेशन वाले पार्ट को वी टी स्क्वायर अपॉन आर टी एच प्लस आर एल होल क्यूब को राइट साइड ले जाएंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। सो फाइनल हमें मिली आर टी एच प्लस आर एल माइनस 2 आर एल इज इक्वल टू 0, ये एक्सप्रेशन मिला हमें ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन के बाद हम आसानी से कह सकते हैं आर एल माइनस 2 आर एल इज माइनस आर एल, सो वी हैव आर टी एच माइनस आर एल इज इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं आर एल इज इक्वल टू आर टी एच। तो ये हमारे पास वो कंडीशन निकल गया जिस वक्त पावर मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो रही होगी सोर्स से लोड में। तो अब हम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम या मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो डेफिनेशन सेज दैट मैक्सिमम पावर कैन बी ट्रांसफर्ड टू द लोड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल्स द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज सीन फ्रॉम द लोड। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, या आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू द लोड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट क्या है यहाँ पे, इस सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस है ठीक है। और अगर इसको आप एक बैटरी की तरह कंसीडर कर लें, इस बैटरी में वोल्टेज वी टी एच ई एम एफ है और आर टी एच इज इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हम कह सकते हैं एक बैटरी से लोड रेजिस्टेंस तक मैक्सिमम पावर तब पहुंचेगी जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी के बराबर होगी ठीक है। तो दिस इज़ द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। तो चलिए अब हमने जैसे ही आर एल निकाल लिया या कंडीशन निकाल लिया मैक्सिमम पावर की, तो अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम पावर की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए हम लोगों ने पावर की इक्वेशन पहले से निकाल रखी है, पी एल इज इक्वल टू है वी टी एच स्क्वायर अपन आर टी एच प्लस आर एल होल स्क्वायर इंटू आर एल। अब हमें निकालना है पावर मैक्सिमम या मैक्सिमम पावर की वैल्यू। तो देखिए हमने यहाँ कंडीशन निकाल लिया आर एल इज इक्वल टू आर टी एच, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आर टी एच की जगह हम आर एल पुट कर देंगे तो वैल्यू हमारे पास जो पावर की हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो जल्दी से हम वो पुट कर लेते हैं, तो जैसे ही पुट करेंगे वी गेट दिस एक्सप्रेशन वी टी एच स्क्वायर अपॉन आर एल प्लस आर एल होल स्क्वायर इंटू आर एल, तो ये 2 आर एल का होल स्क्वायर हो जाएगा जिसको हम लिख सकते हैं 4 आर एल स्क्वायर। यहाँ पे आपको मिला है 4 आर एल स्क्वायर, तो देखिए ऊपर से 1 आर एल और नीचे से 1 आर एल कैंसिल हो जाएगा तो आपको फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा पी एल मैक्स का वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर एल। तो देखिए ये एक्सप्रेशन मिल गया आपको मैक्सिमम पावर का, मैक्सिमम पावर जो लोड पे ट्रांसफ़र हो सकती है उसकी वैल्यू होती है वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर एल, और आर एल की वैल्यू कितनी होगी आर टी एच के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ जब आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का अगर क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आपको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क निकालना पड़ेगा वी टी एच की वैल्यू और आर टी एच की वैल्यू। आर टी एच की वैल्यू ये बताएगी कि इस लोड रेजिस्टेंस की कौन सी वैल्यू के लिए
पावर मैक्सिमम होगी वो होगा RL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ दी थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH। और अब आप अगर निकालना चाहते हैं मैक्सिमम पावर की वैल्यू, वो पावर कितनी जा रही है लोड पे मैक्सिमम, तो उसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा VTH की वैल्यू। सो ओवरऑल हमें हर क्वेश्चन में जिसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का कंडीशन मीन्स RL की वैल्यू निकालनी होगी और मैक्सिमम पावर की वैल्यू निकालनी होगी, दोनों केस में हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क निकालना ही होगा RTH और VTH। ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। अभी एक और चीज़ हम यहाँ पे जान लेते हैं कि एफिशिएंसी क्या होगी जिस वक्त मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रहा होगा लोड पे। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द एफिशिएंसी व्हेन द पावर इज़ बीइंग ट्रांसफर टू द लोड एंड द वैल्यू ऑफ दैट पावर इज़ मैक्सिमम, मीन्स द एफिशिएंसी एट मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी के लिए हमें देखिए इक्वेशन, बहुत पुरानी इक्वेशन ये सब हम जानते हैं, एफिशिएंसी कैन बी रिटन एज आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। तो हमें आउटपुट पावर तो पता है PL max की वैल्यू VTH square upon 4RL, तो हमें कितना लॉस होगा सिर्फ वो निकालना है जो पावर लॉस हो रही है। तो लॉस पावर कहाँ होगी अगर आप इस सर्किट को गौर से देखें तो सिर्फ एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है RTH, जो पावर लॉस होगी सिर्फ इसमें होगी, बाकी सारी पावर आपकी आउटपुट में जा रही है। तो जो भी पावर यहाँ से इस डिलीवरिंग एलिमेंट से निकलेगी वो इस रेजिस्टेंस में लॉस होगी कुछ, और यहाँ पे फिर वो एब्जॉर्ब होगी कुछ पावर। ठीक है, तो जब मैक्सिमम पावर लोड पे जा रही होगी उस वक्त यहाँ कितना लॉस हो रहा होगा वो हम निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए पी आउट हमें पता है विच इज़ इक्वल टू VTH स्क्वायर अपॉन 4RL, ये हमारे पास मैक्सिमम पावर है। और जो लॉस होगा यहाँ पे वो कितना होगा, देखिए करंट इसके थ्रू भी जा रहा है IL, लोड करंट ही जा रहा है इसके थ्रू, तो IL स्क्वायर इंटू RTH ये यहाँ पे लॉस हो रहा होगा पावर। तो हम उसी तरह से IL स्क्वायर RTH, IL की वैल्यू रख देंगे, वो वैल्यू जिस वक्त पावर मैक्सिमम जा रही होगी लोड में। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है RL प्लस RL, RL RTH की वैल्यू यहाँ पे हमने RL के बराबर रख दिया है क्योंकि ये कंडीशन कब की है, मैक्सिमम पावर की। तो यहाँ से हमें निकल के आया लॉस पावर की इक्वेशन VTH स्क्वायर अपॉन 4RL। तो आप देख रहे हैं कि पावर लॉस और पावर आउटपुट दोनों बराबर है, VTH स्क्वायर अपॉन 4RL, VTH स्क्वायर अपॉन 4RL। तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि 100 वाट अगर यहाँ से इनपुट पावर है तो 50 वाट यहाँ पहुँचेगा और 50 वाट यहाँ लॉस हो जाएगा। तो एफिशिएंसी कितनी होगी, अंडरस्टूड है 50/100 दैट इज़ इक्वल टू 50%। तो हम इसको इक्वेशन में डाल देते हैं VTH स्क्वायर अपॉन 4RL, ये आपका हो जाएगा P नॉट, ये अगेन यहाँ पे है P नॉट और ये वाला पार्ट है P लॉस का। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 50%। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के वक्त जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, 50%। ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, जिस वक्त पावर मैक्सिमम ट्रांसफ़र हो रही होगी लोड में उस वक्त जो एफिशिएंसी होगी पूरे सर्किट की वो 50% होगी। ठीक है, बट इस बात को ज़रूर याद रखें, दिस इज़ नॉट दी मैक्सिमम एफिशिएंसी, दिस इज़ दी एफिशिएंसी एट मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं ताकि हम समझ पाएँ कि किस तरह से हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पर डिस्कस कर लूँ, एफिशिएंसी से मुझे याद आ गया कि अगर मान लो हमने कहा कि RL इज़ नॉट वेरिएबल, RL इज़ फिक्स्ड और RTH को वेरिएबल करा दिया, मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क इज़ वेरिएबल, सो कौन सी ऐसी कंडीशन होगी कि पावर यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगी। जैसे एक केस ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर दिस केस। जैसे हमारे पास एक केस है, ये हमारे पास वोल्टेज है सोर्स, ये हमारे पास दो रेजिस्टेंस इस तरीके से लगे हुए हैं, इसको हमने वेरिएबल कर दिया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क है जिसको हम RTH केस में कह रहे हैं, और RL को कर दिया हमने फिक्स्ड। अब हम RL को वेरी नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो हम अगर आपसे पूछते हैं कि अब बताइए क्या कंडीशन होगा कि यहाँ पे पावर मैक्सिमम पहुँचेगी, तो देखिए इस केस में सिंपल सी बात है, पावर यहाँ पे लॉस हो रही है ना, अभी हमने देखा पावर हमें मैक्सिमम यहाँ पहुँचाना है जितना पॉसिबल हो। अगर ये वेरिएबल है तो आप क्या करेंगे, इस पूरे रेजिस्टेंस को ज़ीरो कर दीजिए, मीन्स द सोर्स रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो फॉर मैक्सिमम पावर। तो सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब आपका सोर्स रेजिस्टेंस वेरिएबल हो और लोड रेजिस्टेंस आपका फिक्स्ड हो,
तो मैक्सिमम पावर की कंडीशन होती है सोर्स रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। इसको सोर्स रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं आप, सोर्स रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर लोड रेजिस्टेंस फिक्स्ड हो और सोर्स रेजिस्टेंस वेरिएबल हो तो हम सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू को जितना मिनिमम रख सकते हैं वो रखेंगे एंड द मिनिमम वैल्यू इज़ ज़ीरो। तो ज़ीरो अगर कर देंगे इस रेजिस्टेंस को तो हमारे पास जो पावर है लोड पर पहुँचेगी वो मैक्सिमम पहुँच जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कुछ करते हैं और फिर ये समझते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन में है कि फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल दिस लोड रेजिस्टेंस विच इज़ अ वेरिएबल रेजिस्टर, ओके, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम पावर। मतलब हमें इसमें दो काम करना है, एक तो इस आर एल की वैल्यू निकालनी है ताकि इस लोड रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर पहुँचे, और दूसरा है कि हमें मैक्सिमम पावर कितनी पहुँच रही है उसकी वैल्यू भी निकालनी है। हमें चाहिए आर एल की वैल्यू और हमें चाहिए पी एल मैक्स की वैल्यू। तो जैसा कि हमने डेरिवेशन के वक्त ये देखा था, आर एल इज इक्वल टू आर टी एच होता है फॉर मैक्सिमम पावर। तो हमने करना क्या है इस क्वेश्चन में, सिंपल थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और चूंकि हमें पी एल मैक्स भी इस क्वेश्चन में निकालना है तो हमें पी एल मैक्स का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था पी एल मैक्स इज इक्वल टू होता है वी टी एच स्क्वायर अपॉन फोर आर एल। तो देखिए हमें वी टी एच भी चाहिए होगा। तो ओवरऑल हमें क्या करना है, इस पूरे सर्किट को रिप्लेस करना है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट से। तो चलिए इसको रिप्लेस करते हैं, इस पूरे सर्किट को थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट से। तो सबसे पहले थेवेनिन्स में हम करते क्या है, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ आर टी एच। सबसे पहले सर्किट में आर टी एच कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए टर्मिनल ए बी में से जो ये आर एल है इसको हम हटा देंगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करके इस टर्मिनल से हम देखेंगे कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, दैट विल बी इक्वल टू आर टी एच। तो इक्विवेलेंट सर्किट जल्दी से बना लेते हैं। अब देखिए जैसे इक्विवेलेंट सर्किट बन गया आपका, तो अब हम यहां से रेजिस्टेंस निकालेंगे जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे जो कि आर टी एच के बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं ये 2 ओम और 3 ओम दोनों सीरीज में हो गया क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है, कोई करंट इधर नहीं जाएगा। सो 2 और 3 विल बी इन सीरीज, और ये 6 ओम और 12 ओम क्या होंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इन दोनों के साथ फिर से सीरीज में आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम आर टी एच निकालते हैं। अब आर टी एच की वैल्यू होगी 6 पैरेलल 12, ठीक है, और ये इन सीरीज विथ 3 प्लस 2। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12 प्लस 5। तो इसकी वैल्यू जब आप फाइनल कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 ओम्स। सो आर टी एच हमारे पास 9 ओम आ गया। तो हम कह सकते हैं फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर पी एल मैक्स, आर एल की वैल्यू कितनी होगी इस केस में आर टी एच के बराबर, जो कि है 9 ओम। सो एक पार्ट हमारा आंसर आ गया कि आर एल की वैल्यू कितनी होगी फॉर मैक्सिमम पावर। सो आर एल की वैल्यू होगी 9 ओम। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमें वी टी एच निकालना है। तो चलिए वी टी एच निकालते हैं। तो लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वी टी एच। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। तो हमें ये वोल्टेज चाहिए यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज जो कि वी ओ सी थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज के बराबर होगा। तो इसको जिस तरह से हम लोग पहले करते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी हम वी ओ सी निकालेंगे ब्रांच करंट मेथड से। ठीक है, तो ब्रांच करंट मेथड में हम क्या करते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सबके थ्रू करंट हमें पता होना चाहिए, सारे रेजिस्टेंस या सारे जितने भी एलिमेंट है सबके थ्रू करंट पता होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 एम्पियर करंट है, ठीक, चूंकि ये 2 एम्पियर करंट सोर्स लगा हुआ है तो इस ब्रांच में 2 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और इस तरफ चूंकि ये ओपन सर्किट है तो कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ पे करंट विल बी जीरो। सो ये पूरा 2 एम्पियर कहाँ आ जाएगा, इस 3 ओम रेजिस्टर के थ्रू आ जाएगा।
तो ये 2 एम्पियर इस तरफ आ गया, तो इसमें इस तरफ इस डायरेक्शन में ड्रॉप होगा। ठीक, नाउ कंसीडर कर लेते हैं एक करंट हमारा इधर से जा रहा है, करंट आई, जो कि इस 6 ओम रेजिस्टर के थ्रू होता हुआ इस नोड पे पहुंचेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा करंट आई है और इधर से करंट हमारा 2 है, तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा, इट विल बी 2 प्लस आई। जो करंट इस रेजिस्टेंस से जाएगा वो 2 प्लस आई होगा और इस डायरेक्शन में इसका ड्रॉप होगा। ठीक है, तो हम अगर इस वाले लूप में केवीएल लगा लेंगे तो हमारे पास आई मिल जाएगा, फिर बड़े वाले लूप में हम केवीएल लगा के वीओसी निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले इस छोटे वाले लूप में, लूप 1 में हम केवीएल लगाते हैं। ठीक है, लूप 1 में हमने केवीएल लगाया तो क्या मिला हमको, ये राइज इन वोल्टेज -12 एंड यहाँ पे ड्रॉप इन वोल्टेज होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट देख लीजिए आप, डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं +6 आई, और यहाँ पर अगेन ड्रॉप होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट ये है ऊपर से नीचे की तरफ, तो +12 इंटू 2 प्लस आई, यहाँ करंट जा रहा है 2 प्लस आई, दैट इज इक्वल टू 0। तो जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 आई यहाँ पर हुआ और 12 यहाँ पर हुआ, तो दैट विल बी इक्वल टू 18 आई, और 12 टू 24 इधर हुआ और -12 दैट विल बी 12, सो इधर आके आपका -12 हो जाएगा। सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ करंट आई विल बी इक्वल टू -2/3, ये -2/3 एम्पियर हो गया करंट आई। अब अगर हम बड़े वाले लूप में इसमें केवीएल लगाते हैं, यहाँ से चले इस तरीके से, तो हमारे पास वीओसी मिल जाएगा, ये लूप 2 है। ठीक है, तो इस वाले लूप में जब हम जाएंगे तो केवीएल लगा लेते हैं, राइज इन वोल्टेज -12, अगेन ड्रॉप इन वोल्टेज 6i। नाउ यहाँ पे चूंकि इस तरफ माइनस है और उधर प्लस है, देखिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इस तरफ माइनस है और इस तरफ प्लस है, तो यहाँ पे राइज इन वोल्टेज हो जाएगा, तो -3 इंटू करंट कितना जा रहा है 2, तो 3 इंटू 2, और चूंकि यहाँ कोई करंट नहीं जा रहा तो ड्रॉप नहीं होगा, और यहाँ पे फिर VOC प्लस VOC इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप VOC की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 12 + 6, ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो 12 और 6 = 18 हो गया, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, 12 + 6 = 18 एंड दिस इज -6i, आई की वैल्यू आई है हमारे पास -2/3, तो आई की वैल्यू डाल देंगे -2/3, तो यहाँ से हमारे पास VOC की वैल्यू आ गई, एंड दैट VOC इज इक्वल टू हाउ मच, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4 प्लस हो जाएगा 22, दैट विल बी इक्वल टू 22 वोल्ट्स। इट मीन्स VTH की वैल्यू हमारे पास आ गई 22 वोल्ट्स। तो देखिए हमारे पास RTH अवेलेबल है, मीन्स RL की वैल्यू अवेलेबल है, और VTH हमारे पास आ चुका है, तो अब हम मैक्सिमम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो PLmax मैक्सिमम पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VTH² / 4RL, तो VTH इज 22 ऑल स्क्वायर, 4 × RL इज 9, तो ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13.44 वाट्स। सो मैक्सिमम पावर कितनी आ गई इस केस में, 13.44 वाट। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, कि आपको RL की वैल्यू निकालनी थी जिसमें के मैक्सिमम पावर हो, सो वो RL इज इक्वल टू होगा 9 ओम, और PLmax निकालना था जिसकी वैल्यू होगी 13.44 वाट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जब आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको सिंपल VTH और RTH कैलकुलेट करना है, मींस आपको सिर्फ और सिर्फ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो वीडियो है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट वाला या थेवेनिन्स थ्योरम वाला, उसका मैंने लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लिया है, उसको आप देखें ताकि आपको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाना आ जाए। जब आप थेवेनिन सीख लेंगे तब आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के क्वेश्चंस बहुत आराम से कर सकते हैं। सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा है, वो है PLmax निकालना, जहां पे आपको VTH² / 4RL की वैल्यू रख के निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इस तरीके से है, इसमें भी RL की वैल्यू निकालनी है, RL मीन्स दिस रेजिस्टेंस, एक्चुअली इट इज़ RL, ओके, फॉर मैक्सिमम पावर फॉर द सर्किट शोन, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम पावर। इसमें भी दोनों काम करना है आपको, RL की वैल्यू निकालनी है फॉर मैक्सिमम पावर, एज वेल एज यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से इसमें भी हम प्रोसीड करेंगे,
पहले हम RTH कैलकुलेट कर लेंगे जो कि RL के बराबर होगा फॉर मैक्सिमम पावर, फिर हम VTH निकाल लेंगे और VTH निकालने के बाद मैक्सिमम पावर की वैल्यू होगी VTH स्क्वायर अपॉन 4 RL, वेयर RL इज इक्वल टू RTH। सबसे पहले हम RTH निकाल लेते हैं, तो लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ RTH। जल्दी से इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। यहाँ हमें RTH की वैल्यू चाहिए, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए इन दो टर्मिनल के अक्रॉस। तो आप देखिए इस दो टर्मिनल के अक्रॉस देखेंगे अगर आप, तो एक ये रेजिस्टेंस 2 ओम का कनेक्टेड है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये 3 ओम और 5 ओम के सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक। तो हम कह सकते हैं ये 2 ओम और 3 + 5 = 8 ओम दोनों क्या हैं, पैरेलल में हैं, ठीक, इस टर्मिनल ए बी के दोनों तरफ। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं RTH इज इक्वल टू 2 parallel with 3 + 5, सो दैट इज इक्वल टू 2 × 5 + 3 = 8 डिवाइड बाई 2 + 8, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1.6 ओम। RTH आ गया आपके पास, तो आप कह सकते हैं फॉर PL max RL must be equal to RTH, और इसकी वैल्यू आ गई 1.6 ओम। सो इस केस में RL की वैल्यू आ गई 1.6 ओम। चलिए हमारा नेक्स्ट काम क्या है, VTH कैलकुलेट करना, तो VTH कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे फिर VTH कैलकुलेट करेंगे। तो हमें इस दो टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, लेट अस कंसीडर दैट वोल्टेज इज VOC, ठीक। अब ये वोल्टेज हमें चाहिए, तो आप देख सकते हैं ये वोल्टेज एक्चुअली इस दो टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज होगा VOC। तो हमें इस दो टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो इसमें भी ब्रांच करंट मेथड लगा लेते हैं, आसानी से हो जाएगा हमारा सारा काम। तो सबसे पहले जो करंट सोर्स है उसको देखते हैं, यहाँ से हमारे पास 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ये 6 ओम जा रहा है इधर से, ठीक, और हमें एक करंट इस वोल्टेज सोर्स से कंसीडर करना है, लेट अस कंसीडर दैट करंट इज I। तो ये करंट इस रेजिस्टेंस से होता हुआ इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ओपन सर्किट है, कोई करंट नहीं जाएगा, ये करंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, ये करंट आपको मिलेगा यहाँ पे I, और ये I इधर आ रहा, 6 इधर चला गया, तो कैन वी फाइंड दिस करंट, दिस करंट विल बी I - 6 एम्पियर, ठीक। तो इधर से I - 6 आ गया और अगेन यहाँ से फिर हमें करंट I मिला। तो अगर हम इस बड़े वाले लूप में KVL लगा लेंगे तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I। तो इस वाले बड़े वाले लूप में हम KVL लगाते हैं, ठीक, एक ही लूप है हमारे पास, इस लूप इसको लूप 1 मान लेते हैं बड़ा वाला, इसमें हम KVL लगाते हैं। तो लूप 1 में हम KVL लगाने जा रहे हैं, तो लूप 1 में देखिए यहाँ होगा राइज इन वोल्टेज -20 वोल्ट्स, ड्रॉप इन वोल्टेज I × 3, डायरेक्शन देखिए आप, ये ड्रॉप का होगा, ये ड्रॉप का डायरेक्शन होगा, और ये इधर ये ड्रॉप का डायरेक्शन होगा। तो राइज इन वोल्टेज -20 एंड ड्रॉप इज 3I + 3I, फिर यहाँ ड्रॉप होगा 2I + 2I, और यहाँ राइज इन वोल्टेज होगा -10, और अगेन यहाँ ड्रॉप होगा +5 of I - 6, एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास I की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपको I की वैल्यू मिलेगी 6 एम्पियर, ठीक है। जैसे ही आपको I की वैल्यू मिल गई, अब आप अगर इस वाले लूप में, यहाँ से देखिए इस वाले लूप में KVL लगा लेते हैं, ये जो छोटा लूप है इसको लूप 2 कंसीडर कर लेते हैं, तो आपको VOC की वैल्यू मिल जाएगी। तो लूप 2 में हम लगाते हैं अब KVL लूप 2, तो यहाँ से चले हम, ये 2i हो गया, ड्रॉप है 2i, देन राइज इन वोल्टेज -10, एंड देन अगेन दिस इज राइज इन वोल्टेज VOC, क्योंकि इधर माइनस लिया हमने और इधर प्लस लिया है, दैट विल बी -VOC इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें VOC की वैल्यू कितनी मिली, VOC इज इक्वल टू 2i, i की वैल्यू हमारे पास 6 है, -10, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट। सो VOC हमारे पास 2 वोल्ट आ गया, तो हम कह सकते हैं VOC और VTH बराबर होगा।
सो VTH इस केस में कितना आ गया, VTH इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स। तो जैसे VTH आ गया, हम फिर PL max आराम से निकाल सकते हैं। तो PL max कैलकुलेट कर लेते हैं। PL max की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, VTH का स्क्वायर अपॉन 4 RL। सो VTH की वैल्यू है 2 स्क्वायर अपॉन 4, RL की वैल्यू है 1.6। सो PL max आपको यहाँ पे मिल गया बहुत आसानी से। PL max इज इक्वल टू आ गया आपका 0.625 वाट। तो मैक्सिमम पावर की वैल्यू हो गई 0.625 वाट, VTH इज 2 वोल्ट एंड RTH इज 1.6 ओम। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही करना होगा। अभी देख रहे हैं आप किस तरीके से हमने थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकाला और फिर PL max निकाला। तो सिंपल, आपको पहले थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, फिर PL max आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको इस रेजिस्टेंस R की वैल्यू निकालनी है फॉर मैक्सिमम पावर, एज वेल एज यू नीड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर। ठीक है, जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो अब देखिए, हमें यहां से RTH की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये दो पॉइंट इस नेटवर्क में शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तो आप कह सकते हैं इस रेजिस्टर, इन दो रेजिस्टर को अगर आप देखें 80 ओम और 20 ओम, तो इसका एक पॉइंट यहाँ पर है जो कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है इस पॉइंट से कनेक्टेड है शॉर्ट सर्किट पाथ से। तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, 80 और 20 पैरेलल में हो गए। सिमिलरली एंड सो ऑन 90 और 10 भी पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक, और इन दोनों के पैरेलल का कॉम्बिनेशन फिर सीरीज में हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप वैल्यूज लिख लीजिए या फिर एक बार आप चाहें तो बना लीजिए। तो एक बार बना लिया जाता है ताकि हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो ये आपके पास दो पैरेलल में रेजिस्टेंस इस तरह से लगे हुए हैं इधर, और फिर इसको आप इस तरीके से दो पैरेलल रेजिस्टेंस में दिखा सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया आपका 80 ओम, ये 20 ओम और ये है 10 ओम और ये है 90 ओम। ठीक, और फिर यहाँ आपको निकालना है RTH की वैल्यू। सो RTH की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, 80 पैरेलल विथ 20 प्लस 90 पैरेलल विथ 10। सो दिस इज 80 इंटू 20 डिवाइड बाय 80 प्लस 20 इज 100 प्लस 90 इंटू 10 डिवाइड बाय 90 प्लस 10 दैट इज 100। अब आप LCM ले लेंगे, ये 100 हो जाएगा, फिर 80 इंटू 20 ये 1600 हो जाएगा और ये 900 हो जाएगा। सो RTH अब आप डायरेक्ट RTH की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 900 प्लस 600 2500, तो ये 25 ओम हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक, सो फॉर मैक्सिमम पावर RL मस्ट बी इक्वल टू RTH एंड दैट इज 25 ओम। इन दिस केस इट इज 25 ओम। ठीक है, अब जैसे RTH निकल गया आपका, नेक्स्ट हमारा काम क्या है, VTH निकालना। तो चलिए VTH निकालते हैं। तो ये हमें माइनस प्लस VOC चाहिए, हमने ऊपर माइनस नीचे प्लस लिया हुआ है, सो वी नीड दिस VOC। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे पास जो सर्किट है वो बहुत आसान है। ये एक वोल्टेज सोर्स है और इनके दोनों तरफ, इस वोल्टेज सोर्स के दोनों तरफ 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ पैरेलल में। ठीक, देखिए इस तरफ 100 ओम है, 80 प्लस 20 एंड दिस इज 10 प्लस 90, क्योंकि यहाँ तो कोई करंट जाएगा नहीं, ये ओपन सर्किट है। तो जो करंट यहाँ से आएगा इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक, और इस 40 वोल्ट के पैरेलल में दोनों लगे हुए हैं 100 ओम, तो आप आराम से निकाल सकते हैं ये करंट। तो मान लेते हैं ये करंट हमारे पास अवेलेबल I1 है और ये हमारे पास जो करंट, इसको लेट अस कंसीडर दिस करंट इज I2। ठीक, सो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 40 अपॉन 100। ओके, सो 40 अपॉन 100 इज 0.4 एम्पियर। सिमिलरली एंड सो ऑन I2 भी ऐसा ही हो जाएगा, 40 बाय 100
एंड दैट इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो इन सारे रेजिस्टेंस में 0.4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो आपके पास अगर एक केवीएल लगा लेते हैं जिसमें वीओसी आता है तो आप डायरेक्टली वीओसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इस वाले लूप में हम केवीएल लगा रहे हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज लूप नंबर वन। देखिए ये वाला लूप इधर से चले, ये 20 ओम से होते हुए ये 90 ओम से होते हुए हम फिर वापस आ गए यहाँ पर, ठीक, वीओसी क्रॉस करके। तो देखिए इसमें करंट इस डायरेक्शन में है तो ड्रॉप इधर होगा और करंट इस डायरेक्शन में है तो ड्रॉप इधर होगा। ठीक, तो हम लगाते हैं, ये हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ तो क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है प्लस से माइनस, तो ड्रॉप होगा तो वीओसी, यहाँ पर आ रहे हैं प्लस से माइनस ड्रॉप हो रहा है तो प्लस 20 इंटू I1, I1 की वैल्यू है 0.4, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, अब इधर आते हैं, देखिए माइनस से प्लस की तरफ आएंगे इस वाले रेजिस्टेंस में आएंगे तो राइज हो जाएगा तो 90 इंटू 0.4 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो वीओसी की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 28 वोल्ट्स। तो वीओसी आ गया आपके पास डायरेक्ट 28 वोल्ट्स। सो वीटीएच और वीओसी बराबर होता है, सो वीओसी वीटीएच इज इक्वल टू वीओसी, इट इज इक्वल टू 28 वोल्ट्स। जैसे ही आपके पास वीटीएच आ गया आप पीएल मैक्स निकाल सकते हैं, तो पीएल मैक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, वीटीएच स्क्वायर अपॉन 4 आरएल। तो वीटीएच है 28, तो 28 का स्क्वायर कर दिया और आरएल की वैल्यू हमने निकाला है 25, क्योंकि आरएल विल बी इक्वल टू आरटीएच। तो व्हेन यू कैलकुलेट दिस वैल्यू यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पीएल मैक्स एज 7.84 वाट्स। तो पीएल मैक्स की वैल्यू आ गई 7.84 वाट्स। अच्छा एक चीज़ और, हो सकता है किसी को कन्फ्यूजन ये हो कि आपने नीचे प्लस ऊपर माइनस वीओसी का क्यों लिया, आप ऊपर प्लस और नीचे माइनस भी ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको यहाँ वीओसी की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में वैल्यू निगेटिव मिलेगी। तो निगेटिव का मतलब ये नहीं कि आपको वैल्यू निगेटिव लेनी है, निगेटिव मीन्स वॉट, सिर्फ पोलैरिटी चेंज करनी है। अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाएंगे तो अगर आपने वीओसी इस डायरेक्शन में नीचे प्लस ऊपर माइनस लिया है तो यू विल राइट लाइक दिस, ये आपका आरटीएच हो गया जो कि 25 ओम है और यहां पर अगर आपने वीटीएच लिया है, इफ यू राइट लाइक वीटीएच लाइक दिस, और अगर आपने ऊपर प्लस नीचे माइनस कर लिया तो ये वाली पोलैरिटी हो जाएगी, तो आप माइनस 25 वोल्ट्स लिखेंगे, सॉरी 28 वोल्ट्स लिखेंगे, दिस विल बी माइनस 28 वोल्ट्स। और अगर इसकी पोलैरिटी आपने चेंज कर दिया, ऊपर माइनस नीचे प्लस लिखा, तो सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, 28 वोल्ट्स। दिस इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, बाकी पीएल मैक्स निकालने वक्त वैसे भी इसका स्क्वायर करना है और वैल्यू पॉजिटिव ही रखनी है, मैग्नीट्यूड रखना है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। ठीक, सो यू विल गेट द वैल्यू एज 7.84 वाट्स। आपने अगर पोलैरिटी मेंशन कर रखी है तो आपका जो वैल्यू आएगा वीओसी या वीटीएच का उस पोलैरिटी के अकॉर्डिंग आएगा। तो इस पोलैरिटी के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली आपकी वैल्यू 28 वोल्ट्स है और ये दूसरी वाली जो पोलैरिटी अगर आप लेते हैं इसके अकॉर्डिंग आपकी आती वैल्यू -28। तो बोथ आर करेक्ट, नो प्रॉब्लम, दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी दोनों चीज़ें निकालनी है, आरएल की वैल्यू निकालनी है और मैक्सिमम पावर की वैल्यू भी निकालनी है। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, RL निकालना है और PL Max निकालना है। सर्किट थोड़ा अलग है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। पहले इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पे जहाँ पे RL कनेक्टेड है वहाँ पे आपका वोल्टेज सोर्स था और जहाँ वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है वहाँ पे आपका RL कनेक्टेड था। अब ये रिवर्स कर दिया गया है। चलिए इस तरह का भी क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले RTH करेंगे कैलकुलेट। तो यहाँ पे हमें चाहिए RTH इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए इस सर्किट को थोड़ा आपको ध्यान से देखना होगा, कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल में है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको सर्किट को रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। वो क्या करते हैं, हम ए और बी को हम बाहर की तरफ निकाल लेते हैं और ये शॉर्ट सर्किट पाथ को हम अंदर से दे देते हैं यहाँ से। ठीक, जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग, कि चार के चार जो कॉर्नर्स हैं आप उसको बना दीजिए पहले सबसे, और ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है,
अब आप ये पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं हम, 20 ओम, 12 ओम, 15 ओम, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि इस टर्मिनल को जो ए था वो बाहर की तरफ रखना है और इधर से बी के टर्मिनल को भी बाहर की तरफ रखना है, ठीक है। अब हमें इस ए बी टर्मिनल पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए और ये जो दो टर्मिनल था, ये जो दो पॉइंट था, इसको शॉर्ट कर देना है। तो इसको हमने ऐसे करके शॉर्ट कर दिया। अब देखिए बहुत अच्छे से क्लियर होगी सारी चीज़ें कि 10 और 12 ओम दोनों सीरीज पैरेलल में आ गए, ये 20 और 15 ओम पैरेलल में आ गए। कैसे पैरेलल में हुए? देखिए 10 ओम का एक पॉइंट यहाँ, 12 ओम का एक टर्मिनल यहाँ, दोनों एक पॉइंट से कनेक्टेड है और 10 ओम का दूसरा टर्मिनल यहाँ पे है और 12 ओम का दूसरा टर्मिनल यहाँ पे, दोनों फिर से एक पॉइंट पे कनेक्टेड है ये शॉर्ट सर्किट पाथ के थ्रू, ठीक है। तो आप डायरेक्ट 10 पैरेलल 12 और 20 पैरेलल 15 करके दोनों सीरीज में ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, अब RTH इज इक्वल टू 10 पैरेलल 12, ये सीरीज हो जाएगा 20 पैरेलल 15 के साथ। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 इंटू 12 डिवाइड बाय 10 प्लस 12 प्लस 20 इंटू 15 डिवाइड बाय 20 प्लस 15। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू आपकी RTH की आ जाएगी 14.026 ओम, ठीक है। तो ये जैसे ही RTH की वैल्यू आ गई, RL की वैल्यू फॉर मैक्सिमम पावर पता चल गई है आपको, RL फॉर मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू RTH एंड दैट इज इक्वल टू 14.026 ओम, ठीक है। सो RL आ गया आपके पास। अब हमारा अगला काम क्या है? VOC कैलकुलेट करना। तो चलिए VOC करते हैं कैलकुलेट। अब तो हमारे पास ये वोल्टेज निकालना है VOC, ठीक है। तो अब आप देखिए ये 12 ओम का रजिस्टर, सॉरी 12 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू पैरेलल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्टेड है। जैसे ये 20 और 15 ओम दोनों सीरीज में हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्किट है, इसलिए इधर कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये पूरा 20 प्लस 15 सीरीज में हो जाएंगे और ये इस 12 ओम के अक्रॉस कनेक्टेड है। सिमिलरली ये 10 और 12 भी सीरीज कॉम्बिनेशन इस 12 वोल्ट के पैरेलल में कनेक्टेड है या उसके अक्रॉस कनेक्टेड है। तो हम करंट निकाल लेंगे इन दोनों केस में। तो लेट अस कंसीडर, ये वाला जो करंट इस तरफ जाएगा, इस करंट की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं I1, और जो करंट इधर जाएगा इस करंट को कंसीडर कर लेते हैं हम I2। सो I1 I2 की वैल्यू आप अलग अलग निकाल सकते हैं। I1 की वैल्यू क्या होगी? वोल्ट्स अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो वोल्ट्स कितना है? 12। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 20 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 35। तो यहाँ से I1 की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो 12/35 एम्पीयर्स, ठीक है। सिमिलरली एंड सो ऑन I2 भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज 12 ही है और रेजिस्टेंस कितना है? 10 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 22। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10 प्लस 12 इज 22 और इसकी वैल्यू आप सिंप्लीफाई करके 6/11 एम्पीयर्स लिख सकते हैं, ठीक। जैसे ही करंट दोनों निकल गया, आप इस छोटे वाले लूप में KVL लगा के निकाल सकते हैं VOC। तो चलिए लगाते हैं। पहले ड्रॉप्स को दिखा देते हैं। देखिए ये प्लस और ये माइनस इस डायरेक्शन में करंट है, तो इधर प्लस इधर माइनस इस डायरेक्शन में करंट होगा। तो ये लूप छोटा सा हम ले लेते हैं यहाँ पे KVL लगाने के लिए, लूप वन, ठीक है। तो लूप वन में KVL लगा देते हैं हम। तो देखिए इधर से चलते हैं हम। ड्रॉप इन वोल्टेज 20 I1 माइनस, ये राइज इन वोल्टेज हो जाएगा, तो माइनस VOC और फिर यहाँ पर राइज इन वोल्टेज होगा माइनस 10 I2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से VOC निकाल सकते हैं। VOC इज इक्वल टू 20 I1, 20 इंटू I1, I1 की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं 12 अपॉन 35 माइनस 10 I2, I2 की वैल्यू यहाँ से रखते हैं 6/11। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो VOC की वैल्यू आ जाएगी 1.4026 वोल्ट्स और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? VTH के बराबर, ठीक है। तो VTH आ गया आपके पास, RTH पहले कैलकुलेट कर लिया है, तो PL मैक्स हम जल्दी से निकाल लेते हैं। PL मैक्स होगा VTH स्क्वायर अपॉन 4 RL,
VTH square means 1.4026 whole square upon 4. RL की वैल्यू आई थी 14.026. सो यहाँ से आपको PL max मिल गया. कैलकुलेट कर लेंगे आप ये वैल्यू डायरेक्टली. ये वैल्यू आ गई 0.035006 वाट्स. ठीक है, सो ये PL max आपको मिल गया. तो आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने सिर्फ थेवेनिन्स के मदद से सारा का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कर लिया. तो देखिए, ये जो हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ा है ये डीसी नेटवर्क के लिए. जब हम एसी फंडामेंटल्स पढ़ लेंगे आगे, तो हम फिर एसी के लिए भी सारे थ्योरम्स को पढ़ेंगे और सारे थ्योरम्स को फिर से वापस एसी के लिए भी हम सॉल्व करेंगे, एसी सर्किट्स के लिए सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो कुछ चेंजेस होंगे वो हम देखेंगे वहीं पर कि क्या एसी में थेवेनिन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम और बाकी सारे थ्योरम या फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम सेम होता है या कुछ अलग भी होता है. ठीक है, तो वो हम जब एसी के नेटवर्क में एसी नेटवर्क के लिए पढ़ेंगे तब हम उसको समझेंगे. ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.